हेलो गेमर्स एंड वेलकम वंस अगेन टू वर्ड ईवीएस गेमिंग। और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि मैं स्केलेटन बन चुका हूँ। यस, तो ये मेरी नई स्किन है जो कि मुझे मिली है आर्क फियर इवॉल्व इवेंट में, जो कि हेलोवीन इवेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर ये मुझे मिल गई। और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इसको जुटाने के लिए, पर यार तुमको पता होगा कि ये सरप्राइज़ नहीं है। और ये है मेरा अर्जेंट एवियस, जिसको मैंने, ये देखो कितना बढ़िया कलर दे दिया है, ठीक है। तो ये, इसका नाम आज से ब्राउनी है, ठीक है, ये ब्राउन कलर का है, ठीक है। ये कलर इसमें पहले नहीं था, पर मैंने इसको एक कैंडी खिलाई ना, इसको मैं मार दूंगा, सही बोल रहा हूँ भाई साहब, तंग कर दिया है। अबे भाग जाए यहाँ से। ओके, हम ही निकल जाते हैं भाई, कोई बात नहीं है। हाँ, तो मैं बोला था कि सरप्राइज़ इसका कलर भी नहीं, इतना क्यूट लगता है भाई ये ऊपर से, देख रहे हो तुम लोग भाई, एकदम मस्त भाई, चॉकलेटी चॉकलेटी लगता है। हाँ, तो मैं बोला था कि सरप्राइज़ आज ये भी नहीं है। सरप्राइज़ ये है कि हम 300 क्रॉस कर चुके हैं। वैसे अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 298 है, और एक्सट्रीमली पॉजिटिव हूँ मैं कि जब तक ये वीडियो डालूंगा मैं, हम 300 हो चुके होंगे, ठीक है। तो यार थैंक यू वेरी वेरी मच तुम लोगों का। तो मैं बोला था कि ये सब और इनमें से कोई भी है वो सरप्राइज़ नहीं है। तो सरप्राइज़ क्या है वो मैं तुम्हें अनरिवील करके बताने वाला हूँ, क्योंकि सरप्राइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है इसमें। तो यार मुझे आशा है कि तुम लोगों को अच्छा लगेगा ये सरप्राइज़, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि कैसा लगे। और अगर तुम लोग अभी चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर, ठीक है। ओके, तो हम जा रहे हैं अपने मेगा जाइंट बेस की तरफ, जो कि यहाँ पर पड़ता है, और हम यहीं पर उतर जाते हैं। तो यार मैं, पता है, ऐसी मैप पर घूम रहा था एक दिन और मुझे ये बड़ा सा आइलैंड मिला, ठीक है। और मैंने सोचा कि इसको क्यों ना अपना बेस बनाया जाए। और यहाँ से है इसकी ग्रैंड ओपनिंग, ठीक है। तो ये इतना बड़ा है ना कि भाई लोड भी नहीं हो पाता यहाँ से, ठीक है। और ये है अपना जी ब्रिज, ठीक है। इसका जी ब्रिज नाम क्यों है मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले घूमने के लिए मैं अपना थाइला निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो हमने निकाल लिया अपना थाइला और इसको रख देते हैं अपने क्रायोपॉड में। तो गाइज अपना थाइला जो है वो बेस्ट रहेगा इस जगह घूमने के लिए। और ये ब्रिज मैंने रिसेंटली बनाया है, ठीक है, सबसे लास्ट में ये वाला ब्रिज बनाया था। वैसे अभी पता है ये अपना जो बेस है ना पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। पर ये जी ब्रिज है अपना, ये सबसे लंबा ब्रिज है मुझे लग रहा है कि इस पूरे बिल्ड में, ठीक है। तो यार तुम लोग सोच रहे हो कि इस बिल्ड का नाम जी ब्रिज क्यों है, क्योंकि ये जी आकार में है, ठीक है, क्यों। तो यार मैं तुमको बता देता हूँ, मैं ये बिल्ड कर रहा था ये वाला ब्रिज, और मैं चाहता था कि बिल्कुल सीधा हो और वो जो गेट तुमको दिखाई दे रहा है ना उसमें मिल जाए, ठीक है। लेकिन ये ब्रिज मतलब वैसा हुआ नहीं, ठीक है, और नीचे दरअसल सी वीड आ गई, ठीक है, उसमें मैं बिल्ड नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इस पूरे को तोड़ने के बजाय ना इसको घुमाने की सोच ली, ठीक है, क्योंकि तोड़ने में यार बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता और ये एपिसोड बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, ठीक है। तो अगर मुझे टाइम मिलेगा ना कभी तो इसको मैं सीधा कर लूँगा। वैसे तो मुझे कोई बेकार नहीं लग रहा ये ब्रिज, ठीक है, तो आई गेस कि ठीक है यार। मतलब तुम लोग बताना कि मुझे इसको सीधा करना चाहिए या फिर ऐसे ही रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको बनाने में भाई सब बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, ठीक है। मतलब इतनी मेहनत लगी है भाई, मैं बता नहीं सकता तुम लोगों को, ठीक है। तो हम आ चुके हैं अपने एंट्रेंस पे, जो कि काफ़ी ग्रैंड एंट्रेंस है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। हम एंटर हो चुके हैं अपने पूरे प्राइवेट आइलैंड पे, ठीक है। तो ये हमारा प्राइवेट आइलैंड है, जहाँ पे मौजूद है बहुत सारी चीज़ें, लग्जरी चीज़ें, जो कि तुमको मैं दिखाऊँगा। और सबसे पहले मेरा बहुत बड़ा जाइंट स्विमिंग पूल, यस, ये जो तुम पानी देख रहे हो ना, ये जाइंट स्विमिंग पूल है मेरा, ठीक है। इसमें बस एक कमी है कि मैं यहाँ से उस वाले आइलैंड पे कैसे जाऊँ, ठीक है, इस वाले गेट से उस वाले आइलैंड पे कैसे जाऊँ, ये मेरे को नहीं पता, ठीक है। लिटरली भाई मैं बिल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ये गेट है, ठीक है। ये गेट मैंने क्यों रखा है यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये स्विमिंग पूल जो है ना एक्सेसिबल हो, ठीक है, हर जगह से, ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसके तीन गेट बनाए हैं, तीन डायरेक्शन से। एक तुमको उधर दिखेगा सामने, ठीक है, एक यहाँ पे है और एक इस तरफ भी है, ठीक है, इस टावर के ऊपर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तुमको टावर पे ले चलता हूँ, ठीक है। और टावर जो है बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ये वाला तो मतलब, हाँ, ये वाला सबसे बड़ा टावर है। अपने पास दो ही टावर है अभी के लिए, और भी मैं टावर बनाऊँगा। ओके, तो हम ऐसे स्पाइरल सीढ़ियों पर चढ़ के इस टावर के ऊपर जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अजीब है थोड़ा एक्सपीरियंस इसका, लेकिन कोई और चढ़ने का है ही नहीं, ठीक है, साधन यहाँ पे। और यहाँ पे चढ़ते ही हमको मिल जाता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सीन देखने को। यहाँ पे पूरी पहाड़ी दिखती है वहाँ पे, ठीक है, और इधर का पूरा इलाका दिखता है। वैसे मैं बता दूँ तुम लोगों को मैप पे हम हैं कहाँ। दरअसल
हम हैं यहाँ पे ब्लू मी दिखाई दे रहा होगा तुमको लिखा हुआ, हम इस वाले आइलैंड पे हैं और ये अपना प्राइवेट आइलैंड है पूरे आर्क के मैप के बिल्कुल बाहर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बढ़िया एरिया मिल गया ये मेरे को और लिटरली भाई मज़ा आता है मेरे को यहाँ पे। और यहाँ से तुम देख सकते हो हमारा पूरा बिल्ड जो कि मैंने बना रखा है यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे दिखाने के लिए तुम लोगों को। तो चलते हैं नीचे, पर उससे पहले यहाँ पे है अपना बैलिस्टा, ठीक है। तो इस पर बैठ जाते हैं और ये बैलिस्टा जो है ना हमको बचाता है किसी भी इन्वेजन से, ठीक है। कोई हमें पे अटैक कर दे तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे अभी खाली है ये, लेकिन इसकी बुलेट्स मैंने बना के रखी है यहाँ पे, ठीक है। कुछ बुलेट्स हैं यहाँ पे, मैं तुमको फायर करके दिखाता हूँ। ओके, तो बैलिस्टा अपनी रेडी है और हम इसको ऊपर नीचे पूरा 360 डिग्री घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सही है और फायर करते हैं अपना फर्स्ट बैलिस्टा। ओ ये जैसे कि तुम देख सकते हो वहाँ पे गया, जैसे मुझे नहीं लगता कि तुमको दिखाई दिया होगा क्योंकि बहुत फास्ट ट्रैवल करता है। थोड़ा सा ऊपर मैं टारगेट करता हूँ आई थिंक, तब तुमको दिखाई देगा। ओके, देख रहे हो भाई साहब, एंड इट विल लिटरली, ये लिटरली गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तुमको दिखेगा भी नहीं कहाँ गया ये। मैं यहाँ मारता हूँ, ये देखो भाई साहब। अच्छा, इसको रिकवर कर सकते हैं क्या हम लोग? हाँ आई थिंक यस वी कैन रिकवर इट। ओके नाइस। ओके तो गाइस यहाँ से चलते हैं, ठीक है। अपना बैलिस्टा छोड़ देते हैं अकेले, ठीक है। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें डाल देता हूँ वापस से। ओके चलो यार, यहाँ से नीचे उतरते हैं जल्दी से और अपने दूसरे बिल्ड पे जाते हैं। तो अपना दूसरा बिल्ड है अपना दूसरा टावर। देखो एक गेट यहाँ पे है इसका एंट्रेंस का, और एक गेट तुमको यहाँ दिखेगा एंट्रेंस का, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा डीप है और ये पानी का जो पूरा एरिया है ना भाई लिटरली मेरा है, ठीक है। प्राइवेट, इट इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ माइन। ओके तो यहाँ चलते हैं और यहाँ काफ़ी सारी सीढ़ियाँ तुमको देखने को मिल जाती हैं जो कि बिल्कुल बेकार तरीके से लगा रखी है मैंने। ओके तो ये है हमारा सेकेंड टावर, जो कि फर्स्ट वाले टावर से काफ़ी छोटा है, ठीक है। क्योंकि आई गेस ये मेरा सबसे पहला बिल्ड था, ठीक है, यही से स्टार्ट किया था मैंने। और ये थोड़ा गैप जो है ना दीवारों के बीच में रह गया, जो कि माइंड मत करना तुम लोग, ठीक है। इतना बड़ा बिल्ड में इतने सारी मतलब छोटी छोटी चीज़ें देखी नहीं जाती हैं, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ वॉच टावर है एक छोटा सा जहाँ से हम और भी देख सकते हैं दूर का, ठीक है। तो यहाँ से हम उतरते हैं क्योंकि यहाँ पे तो है कुछ नहीं। मैंने यहाँ पे बिल्ड बनाया, कुछ बनाने के लिए सोचा था पर फिर बनाया नहीं मैंने। मैंने सोचा था ना कि यहाँ पे अपना एक कंफर्टेबल कंफर्टेबल सा एरिया बनाया जाए रहने वहने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया उस आइडिया को, या फिर कभी हम फ्यूचर में इसका देखेंगे, ठीक है। कर चुके हैं यहाँ से और चलते हैं अपने नेक्स्ट बिल्ड की तरफ पानी से होते हुए। यहाँ पे कुछ मैं अपने एनिमल्स लेके आ गया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैंने इनको अच्छे से रखा नहीं है पर बाद में रख लूँगा, ठीक है। इसको माइंड मत करना तुम लोग। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मेरा फर्स्ट और सबसे बड़ा ग्रीन हाउस, ठीक है। ये है ग्रीन हाउस जिसमें मैं प्लांट पौधे बहुत सारे उगाता हूँ। वैसे अभी मैंने कुछ पौधे उगाए नहीं है क्योंकि लिटरली मैं ये वाली बिल्डिंग बना रहा था, ठीक है। और इसमें टाइम बहुत चला गया और इसको बनाने में मतलब मैंने बना तो दिया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बना दी है मैंने इसके अंदर, लेकिन प्लांट करने का टाइम नहीं मिला मेरे को। तो प्लांट भी करेंगे, सीड अपने पास रखे हुए हैं काफ़ी सारे, और मैं ब्रोंटो को ले आऊँगा, उससे सीड काफ़ी मिल जाएंगे हमको। तो इसमें हमें प्लांट करना है अभी। और यहाँ पे बहुत सारे बहुत ही ज़्यादा क्रॉप फील्ड्स हैं। यहाँ पे लार्ज क्रॉप फील्ड है, मीडियम क्रॉप फील्ड है, और उधर कुछ छोटे क्रॉप फील्ड है, और भी बहुत सारी जगह है अपने पास। तो हाँ, अगर हमको कुछ बनाना होगा ना तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ तीन तीन कॉम्पोस्ट बिन है तो इसमें से हमें बहुत सारी खाद मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ स्टोरेज का बना दिया है, ठीक है। इन्वेंट्री वैसे तो दो ही है लेकिन आई थिंक दो से काम चल जाएगा अपना, ठीक है। क्योंकि इतना कोई हमको ज़्यादा काम नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि तुम ऊपर देख सकते हो प्लांट्स को पानी देने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम बना रखा है, ठीक है। जो है ना सभी फील्ड को इरिगेटेड बना देता है। यहाँ पे जो कुछ फील्ड्स है ना ये नॉट इरिगेटेड है, पता नहीं क्यों ये नॉट इरिगेटेड है, ठीक है। आई थिंक कि इसको थोड़ा मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा पानी वाले सिस्टम को, ठीक है। और ये अपने आप ऑटोमेटिक जो है ना सी से पानी उठा के इसमें डालता रहता है, तो ये काफ़ी सही हो गया है, ठीक है। ऑटोमेटिक मुझे पानी डालना नहीं पड़ेगा कभी भी इसमें। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं यहाँ से और इधर चलते हैं। तो ये तुम देख सकते हो ये है हमारा सी पोर्ट एक, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पता है ऐसी राफ्ट खड़ी करी थी दो, वो पता नहीं क्या हो गई। आई थिंक यहाँ पे एक बड़ी सी मछली है, ठीक है। लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो
तुम देखोगे ना तुम्हें फट के हाथ में आ जाएगी, इतनी बड़ी है। ठीक है, उसने बर्बाद कर दिया उसको, ठीक है, दोनों को। वो लिटरली अटैक कर देती है मेरे ऊपर और मेरी चीज़ें बर्बाद कर देती है। यहाँ पे सारे राफ्ट तोड़ दिए उसने, मैंने यहाँ राफ्ट रखे थे, ये हमारा पोर्ट है, ठीक है, यहाँ से हम राफ्ट से कहीं भी जा सकते हैं। तो यस, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे वैसे एक राफ्ट बच रखी है, पर पता नहीं इसको क्यों उसने डिस्ट्रॉय नहीं किया। लेकिन यहाँ पे क्या कर रही है राफ्ट, तो आई डोंट नो। मैंने यहाँ पे राफ्ट बनाई थी यार, मोटर बोर्ड भी बनाई थी मैं लोहे वाली, ठीक है। तो आई गेस हम कुछ कर नहीं सकते हैं उसका। तो चलते हैं यार अगले अपने बिल्ड पे। तो ये है अपना एक बार्न, ठीक है, ये बार्न मैंने रिसेंटली बनाया है, ठीक है। ये सबसे अपना लास्ट बिल्ड है और इसका भाई देखो कैसा लग रहा है तुम लोगों को, ठीक है, और बताना मेरे को इसका बिल्ड कैसा लग रहा है तुम लोगों को। तो अंदर से मैं तुमको दिखा देता हूँ, पर पहले इससे उतर जाते हैं अपने थाईला के ऊपर से। अभी अंदर से मैंने क्लियर नहीं किया इसको, तो थोड़ा सा इसको साफ करना है मेरे को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे घास पात उग रही है, ठीक है, तो बहुत गंदा लग रहा है वैसे तो। लेकिन मैंने ये बांध पता है किसे रखा है, इसमें हर्बीवोरस एनिमल्स को रखा जाएगा, ठीक। और यार इनसे मिलो, ठीक है, ये है हमारे मेटल एंड रॉक। तो यार ये जो दोनों है ना भाई साहब, एक नंबर के अमेजिंग डायनासोर है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, अपनी शील्ड उतार देता हूँ कुछ देर के लिए, ठीक है, ताकि तुम लोगों को हर चीज़ दिखाई दे अच्छे से, क्योंकि शील्ड ना बहुत ज़्यादा एरिया जो है ना वो ले लेती है, ठीक है। तो यस, ये दोनों जो है ना भाई साहब एक नंबर के बेस्ट डायनासोर हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो है ना, ये डोडीक्यूबस है, ये हमारा, मैंने इसका नाम रॉक दिया है क्योंकि ये रॉक कलेक्ट करता है। तो मैं तुमको इससे रॉक कलेक्ट करके दिखाता हूँ। और भाई साहब ये इतना सही है ना, ये देखो, ये तो है इसका, ठीक है, ये आराम से चल रहा है, ठीक है। अब देखना तुम लोग, ये देखो भाई साहब ये रोल करता है जो ना बहुत मस्त लगता है भाई। तो यस, ये इसका मूव है, ठीक है, ऐसे ये रोल करता है मस्त। और सबसे बेस्ट काम पता है क्या करता है, ये कलेक्ट करता है भाई साहब बहुत ज़्यादा रॉक, ठीक है। ये देखो पूरा का पूरा पत्थर उड़ा देगा ये, ठीक है, पूंछ से मार के अपनी। बहुत ज़्यादा भाई इसने मदद करी है मेरी इस बेस को बनाने में, मतलब इसी ने मदद करी है भाई, और कोई तो मदद कर ही नहीं सकता था, ठीक है। तो ये देख रहे हो 176 रॉक, ठीक है, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये, और पूरा पहाड़ का पहाड़ उड़ा देता है ये, ठीक है। तो यस, ये तो है अपना रॉक कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और देख रहे हो अभी इसने दो स्ट्राइक में कितने सारे रॉक कलेक्ट कर दिए, ठीक है। तो और इसका लेवल भी बढ़ गया, तो लेवल बढ़ा देता हूँ कुछ मैं। तो यस यार, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए। और मैंने इसको बहुत पहले ही टेम कर लिया था, लेकिन दोनों को दिखा नहीं पाया मैं, ठीक है। और ये है अपना मेटल, तो नाम से पता चल रहा होगा कि ये अपना मेटल कलेक्ट करता है। और ये डायनासोर का नाम है एनकाइलोसोरस, ठीक है। तो ये थोड़ा स्लो है वैसे तो, ठीक है, पर ये बेरीज भी कलेक्ट करता है, ठीक है, थोड़ी सी ये बेरीज कलेक्ट करता है, ठीक है। और लेकिन सबसे ज़्यादा कलेक्ट करता है ये मेटल, ठीक है। लेकिन यहाँ मेटल नोड्स नहीं है, वहाँ ऊपर है, ठीक है, बहुत सारे मेटल नोड्स, तो कभी कलेक्ट करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी इसी में मार के देखते हैं कि ये मेटल नोड मेटल कलेक्ट करता है कि नहीं। तो ये देखो भाई साहब, इसने मेटल तो कलेक्ट नहीं किया क्योंकि मेटल नोड नहीं था ये, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेटल कलेक्ट करता है, मैं मेटल कलेक्ट करने के लिए इसी को यूज़ करता था, ठीक है। यहाँ कुछ मेटल नोड्स हैं ऊपर, ठीक है, थोड़े, तो उसमें काम आता है ये। इसके अटैक्स मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये है जो कि प्लांट व्लांट को तोड़ देता है, ठीक है, प्लांट को काट देता है। और फिर इसके बाद ये है इसका सेकंड मूव, ठीक है, तो इससे ये मेटल कलेक्ट करता है। बट यार बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये, ठीक है। और ये वाले जो है ना डायनासोर, ये इसको पकड़ने के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, इसी वाले आइलैंड पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं ये, हर जगह स्पॉन हो जाते हैं इस वाले आइलैंड पर ये लोग, ठीक है। तो यस, ये इनका नेटिव आइलैंड है, तो यस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये लोग। और मैं ऐसा करता हूँ ना, इसको साफ़ कर देता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, तो हमने ये जगह साफ़ कर ली है थोड़ी बड़ी, ठीक है। और ये वाली घास जो है ना, ये दरअसल साफ़ नहीं होगी क्योंकि ये लिटरली ये ब्लॉक के अंदर से आ रही है, ठीक है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये थोड़ी गंदी लगती है यार, पर हर जगह इस मतलब यहाँ पे बिल्ड करने का ना यही एक नेगेटिव साइड है, ठीक है, कि ये घास जो है ना इसमें से निकल जाती है, तो बहुत बेकार लगती है, ठीक है। ऐसा लगता है ना कि बहुत दिन से मैं यहाँ पे आया नहीं हूँ और यहाँ पे घास उग गई है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये बताना भाई, बिल्ड तुमको कैसा लग रहा है? क्योंकि मुझे बिल्डिंग बहुत ज़्यादा सही लगी। यहाँ पे मैंने शीशे दे दिए हैं थोड़े से, ताकि अच्छा लगे, ऊपर से रोशनी आए, ठीक है। और बताना तुम लोगों को कैसा लग रही है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग, और आगे बढ़ के तुम लोगों को मिलता है ये एक आइकॉनिक ब्रिज, ठीक है। तो इसको मैं कहता हूँ ट्राई ब्रिज, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा शॉर्टकट बना देती है मेरे लिए। और ये मतलब ऐसे ही मैंने बना दिया था ताकि थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है, हमें मतलब यहाँ सेंटर में थोड़ी जगह मिल जाए अच्छे से, मतलब काम करने की। और ये मेरी लोकेशन है यहाँ पे, मतलब है ना यहाँ पे मैं अपने सी वाले टेम्स रख सकता हूँ, ठीक है। और कभी भी मतलब अपने सी टेम्स को, मतलब यहाँ अपने सी वाले टेम्स से ना यहाँ पे मिल सकता हूँ मैं, ठीक है।
तो इसको भाई ब्रिज का ये देखो, पिलर्स देखो तुम लोग भाई, बस देखते जाओ। ये पिलर्स बनाने में इतनी भाई फटी है ना मेरी, तुम लोग सोच नहीं सकते। ठीक है, ये पिलर्स भाई, पिलर्स पे पिलर्स, पिलर्स पे पिलर्स भाई, मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं है इस गेम में, पिलर्स ही बनाए हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ आवर्स मैंने पिलर्स बनाने में बिताए हैं इस गेम में। और यहाँ पे मैं चाय कॉफ़ी अपनी पी सकता हूँ इस चेयर पे आराम से बैठ के, और डीब्रीफ कर सकता हूँ किसी को भी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये मेरा एक्सटर्नल वर्किंग प्लेस है। ठीक है, और मैं यहाँ पे सन की धूप ले सकता हूँ और अपना काम कर सकता हूँ। ओके, बस बस यही यही चीज़ मेरे को दिक्कत देती है। ये कुआं सा है ना यहाँ पे, इसमें मैं गिर जाता हूँ बार बार। ठीक है, मुझे लगा था कि ये अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन मैं इसमें कूद जाता हूँ और गिर जाता हूँ इसमें। ठीक है, तो ये है अपना वॉर मैप। यस, यहाँ पे देख सकते हो तुम, पूरा आर्क का मैप लगा हुआ है बड़ा सा, एकदम लार्ज वर्जन में। तो यहाँ पे मैं, मतलब मैं देख सकता हूँ कि मैं किधर हूँ और मैं मुझे कहाँ जाना है, अगला मेरा डेस्टिनेशन कौन सा है। तो ये मैप मेरे को दिखाता है वो। और यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये है बैटल ड्रम। ठीक है, जिसको हम बजा सकते हैं। यस यस, और मैं भाई बहुत डरावना लग रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कोई, मतलब जंगली है ना, जो आदिवासी लोग हैं ना, उनका फेस्टिवल चल रहा है। ठीक है, इस पे से उतर जाते हैं। और कभी हमें वॉर अगर घोषित करनी होगी ना किसी के ऊपर, तो ये ड्रम बजा के हम वॉर घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और ये वॉल तुम देख सकते हो, थोड़ी ये जो वॉल है ना, थोड़ी सी इधर, मतलब इनपरफेक्ट वॉल है। ठीक है, क्योंकि देखो यार, मैं सी के अंदर बना रहा हूँ। ठीक है, सी के अंदर बनाना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे शार्क थी बहुत ज़्यादा। तो मैं लिटरली हेल्प ले रहा था अपने स्पाइनो और बैरियोनिक्स की। ठीक है, तो मैं उनको छोड़ देता था पानी में और वो शार्क को मार देते थे, और मैं, मेरा काम लिटरली आसान हो जाता था। लेकिन वैसे ही मैं काम नहीं कर पाता था, मुझे स्कूबा वाला बनाना पड़ गया। ठीक है, स्कूबा वाले जो इक्विपमेंट होते हैं ना, वो सब बनाने पड़ गए, तो उसको पहन के मैं काम करता था। और यस, लिटरली बहुत मेरे को तंगी हुई है इसको बनाने में। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये पूरी वॉल बनाई थी। ठीक है, ताकि ये पूरा जो एरिया था ना, बंद हो चुका था, तो यहाँ पे शार्क नहीं आ पाई, तो यहाँ पे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरे को। लेकिन बाहर वाला जो वॉल है ना, जितना भी बाहर का एरिया है, वो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा मेरे को, और बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। तो प्लीज़ यार, इस वाली वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, और कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर से ज़रूर बताओ कि तुम लोग कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ पे है एक बड़ा सा और डोर। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, तो इसको खोलते हैं और चलते हैं अंदर। ठीक है, तो ये है अपना पेन। यस, यहाँ पे हम अपने एनिमल्स को रखेंगे। वैसे पता है, मेरे पास अच्छा आइडिया था, ठीक है, इस पेन को बनाने का, पर ये पेन मैंने पहले ही बना दिया था और मुझे टाइम नहीं मिला लिटरली उसको, मतलब फिर से इसको तोड़ के बनाने का। ठीक है, तो मैंने इसको छोड़ दिया ऐसे ही। और यस, ये ऐसे ही है। वैसे मैं ट्राई करूँगा कि अगर इसको एक्सटेंड करना हो ना, तो इसको मतलब एक्सटेंड करेंगे हम काफ़ी अच्छे तरीके से। वैसे ये उतना अच्छा नहीं बना, पर जो भी है यार, मैं इसको बना नहीं पाया, इसमें टाइम नहीं दे पाया। ठीक है, इसलिए इतना मतलब थोड़ा थोड़ा बेकार बन गया है। पर यार देखो, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। ठीक है, तो यस, यहाँ पे हम अपने एनिमल्स को रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, मैं अपने सारे एनिमल्स ले आऊँगा कभी और। ठीक है, ओके, तो इसको बंद करते हैं जल्दी से और चलते हैं अपनी नेक्स्ट बिल्डिंग में। तो तुम लोग ये देख सकते हो, और वहाँ बैकग्राउंड में एक कैसल देख सकते हो। यस, तो ये वाली बिल्डिंग जो है ना, इसको मैंने बनाया है, इस पे बर्ड्स हमारी रहेंगी। अभी मैंने बर्ड्स नहीं रखी इस पे। ठीक है, इधर उधर बर्ड्स मेरी फैली हुई हैं बहुत सारी, तो इस पे ले आके रखेंगे अपनी बर्ड्स। और यहाँ पे मैं चढ़ के दिखा देता हूँ तुम लोगों को, ऊपर है मेरा बर्ड टावर। ठीक है, और यहाँ पे हम अपनी बर्ड्स को ले आके रख देंगे, और कभी भी हम उनको, मतलब हमेशा वो रेडी रहेंगी फ्लाई कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी नज़ारा उनको देखने को अच्छा सा मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे तुम एक और बिल्डिंग देख सकते हो, और यहाँ पे है एक बड़ा सा डोर, और ये है बिल्कुल टेमिंग वाले के बगल में, क्योंकि यहाँ पे है ये अपना मेटिंग और एग हैचिंग एरिया। यस, तो यहाँ पे हम एग हैच करेंगे। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अपने पहली जो बिल्डिंग हमने बनाई थी ना अपने बेस पे, उसी की तरह है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा एडवांस इक्विपमेंट है, जैसे कि यहाँ पे है एसी, मतलब कुछ अंडे होते हैं, देखो कुछ अंडे होते हैं ना जिनको गर्म एरिया चाहिए होता है, कुछ अंडे होते हैं जिनको ठंडा एरिया चाहिए होता है। तो गर्म वाले को तो हम कहीं भी हैच कर सकते हैं, लेकिन ठंडे वालों के लिए एसी चाहिए होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको लाते हैं, और यहाँ पे हम हैच कर सकते हैं उन अंडों को। ठीक है, और यहाँ पे है तुम्हारा एक जनरेटर,
जिसको हम ऑन करते हैं तो सब चीज़ें ऑन हो जाती हैं और लिटरली ये जगह ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो यहीं पे मैंने आर्जेंटिविस के अंडे हैच किए थे लाके, तो इसको बंद कर देते हैं क्योंकि ये लिटरली फ्यूल लेते हैं। और फ्यूल देख सकते हो यहाँ काफ़ी सारा बना रखा है मैंने, वैसे कुछ फ्यूल ले लेते हैं। आई थिंक कि बहुत जगह ना फ्यूल है नहीं अपने पास। ठीक है, फ्यूल मैंने काफ़ी लिमिटेड ही बनाए थे। ठीक है, क्योंकि फ्यूल बनाना भी बहुत ज़्यादा मेहनत लेता है। ठीक है, तो कुछ हम हाफ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्योंकि अगर बहुत सारी मशीनें हैं उसमें भी डालने का काम आता है। ठीक है, हाँ तो चलते हैं यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो इतना ही है बस। ठीक है, यहाँ पे अपने जानवर हम हैच करवा सकते हैं। ठीक है, और मेटिंग भी करा सकते हैं चाहे तो। आगे बढ़ते हैं और आगे मैंने बनाया है एक बहुत ज़्यादा स्पेशल एरिया। ओके, ये ब्रोंटो यहाँ पे क्या आ गया? ओके यार, ये ब्रोंटो ना मेरे को तंग किए रहते हैं यहाँ पे। भाई साहब देख रहे हो, ये देख रहे हो कहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है भाई, कहाँ जाएगा तू? तो ये है अपना टेक्नोलॉजिकल पिरामिड, या फिर एडवांस पिरामिड तुम कह सकते हो। ठीक है, और ये बना है फुल मेटल का। ठीक है, तो तुम देख सकते हो इसकी ग्लोरी को, ये पूरा मेटल का बन रखा है। मैं यहाँ से उतर के तुमको दिखा देता हूँ। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ये सबसे बेस्ट बिल्ड है मेरा। यस, मुझे मतलब ऐसे ही लगता है, ये बेस्ट बिल्ड है। और यहाँ से कुछ बाहर आ रहा है पर सही लग रहा है, मतलब ठीक ठाक लग रहा है वो बाहर, मतलब मशीन है उसके अंदर इतनी बड़ी। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसके लिए। ठीक है, तो ओके, लिटरली अंधेरा हो गया क्या यहाँ पे? ओके भाई साहब, कैसल देख रहे हो तुम लोग? ओके, अंधेरा नहीं हुआ, ये जो पहाड़ी है ना भाई, इसकी परछाई आ रही है इतनी तगड़ी वाली कि यहाँ पे पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरे कुछ इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, जैसे कि ये कुकिंग पॉट्स है बहुत सारे, और यहाँ पे रखे हुए हैं सर मोटार पिस्टल, यहाँ पे रखे हुए हैं कैंप फायर्स, एंड यहाँ पे है अपने बहुत सारे रिफाइनिंग फॉर्जेस पुराने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिफाइनिंग कर सकता हूँ बहुत ज़्यादा, यहाँ पे स्मिथिंग कर सकता हूँ बहुत सारी, और बहुत सारी चीज़ें बना सकता हूँ। यहाँ पे क्राफ्टिंग करनी होगी तो यहाँ पे बहुत सारा तुम देख सकते हो कि स्टोरेज आइटम है। और ये पिलर यहाँ पे क्या कर रहा है पता नहीं मेरे को, फालतू में पड़ा हुआ है। और ये है डमीज़। ठीक है, तो डमीज़ पे हम क्या करते हैं पता है? डमीज़ पे हम अपनी चीज़ें जो है ना उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस, जैसे कि मैं अपनी शॉटगन ही प्रैक्टिस कर सकता हूँ, जैसे कि गोली अगर चलाऊंगा तो ये पता चलेगा हमको 3634 डैमेज पर सेकंड जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी सही है, और हम कुछ भी इस पे मार के ना प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी अपनी 148 डैमेज जा रहा है इससे। ठीक है, और अपने किसी भी जानवर से भी मरवा सकते हैं और उनके डैमेज पता कर सकते हैं हम लोग कि कितना डैमेज करते हैं ये लोग। ठीक है, जैसे कि मैं इसको मारूंगा 394, तो ये काफ़ी सही है, ये वाली डमी जो है काफ़ी सही है प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलते हैं इस वाले के अंदर। ठीक है, और देखते हैं कि इस वाले एडवांस पिरामिड में क्या चीज़ है, और देखते हैं कि इस एडवांस पिरामिड में है क्या अंदर चल के। ठीक है, तो ये मैं खोल देता हूँ इसका दरवाजा, और देख सकते हो कि अंदर है चमचमाता हुआ एडवांस पिरामिड। तो ये पूरा बिल्डिंग जो है ना मेटल का बिल्ड है। ठीक है, और यहाँ से मैं थोड़ा लाइट ऑन कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, और यस थोड़ा चमकता है ये लाइट में कुछ ज़्यादा ही। ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये एक तरह से बेस्ट एंड एडवांस बिल्ड है। ठीक है, तो मुझे बनाते वक्त ऐसा नहीं लगा था कि ये इतना बढ़िया बन जाएगा, पर यार ये लिटरली बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, और इसमें लिटरली एडवांस चीज़ें हैं, सिर्फ एडवांस चीज़ें हैं। और केवल इस वाली बिल्डिंग को बनाने के लिए ना मुझे 1 महीने का टाइम लगा है, लिटरली बोल रहा हूँ भाई साहब, सिर्फ इस वाली बिल्डिंग को बनाने के लिए। ये सबसे इसने सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया है मेरा। ठीक है, इस वाली बिल्डिंग ने, और मैं तुमको दिखा देता हूँ यहाँ पे है क्या। तो सेंटर से स्टार्ट करते हैं, सेंटर पे है ये अपना क्रायो फ्रिज। ठीक है, तो क्रायो फ्रिज क्या होता है, इसमें हम अपने क्रायो पॉट्स डाल सकते हैं और ये रिचार्ज कर देता है उनको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना कि अगर देखो यहाँ पे क्रायो फ्रिज जो है ना, इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, इसका टाइम ड्यूरेशन होता है तुम्हारा 29 डेज आई थिंक। हाँ, तो इसका, हाँ तो 29 डेज होता है। तो 29 डेज बाद क्या होगा ना, क्रायो फ्रिज जो है, मुझे नहीं पता वैसे क्या होता है, लेकिन मुझे मतलब मैंने खुद से नहीं देखा कि क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ये शायद टूट जाता है और इसके अंदर के जो टेम्स होते हैं ना वो मर जाते हैं। ठीक, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्रायो इसको चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे क्रायो पॉट्स मैंने बना के रख लिए पहले से ही। ठीक है, और यहाँ अभी हम 70 क्रायो पॉट्स रख सकते हैं। ठीक है, टोटल में, और यहाँ पे अभी मेरे पास कमी है क्योंकि बहुत सारे रिसोर्स लगते हैं यार इसको बनाने में, वैसे ज़्यादा भी रिसोर्स नहीं लगते, मैं बना सकता हूँ और भी, और मैं बना के रखूँगा। ठीक है, अपने मतलब सारे अपने जो टेम्स हैं ना उसको इसी में रखेंगे आज से हम, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस तरीका है टेम्स को रखने का, और मेरे टेम्स मरेंगे भी नहीं इसमें क्रायो फ्रिज के अंदर। और यहाँ पे आर्टिफैक्ट पेडेस्ट्रियल हैं, तो यहाँ पे आर्टिफैक्ट अपने ला कर रख देंगे हम लोग जो भी आर्टिफैक्ट लाएंगे। और ये देखो भाई साहब, जैसे कि मैं बोल रहा था यहाँ से घास निकल रही है, बहुत ज़्यादा गंदा लगता है मेरे को ये, लिटरली भाई पूरे बिल्ट की ना ऐसी की तैसी कर देती है घास। ठीक,
तो लेफ्ट साइड से यहाँ पे एक एसी है और यहाँ पे एक फैब्रिकेटर। फैब्रिकेटर तुम लोगों को पता ही होगा कि क्योंकि हमने इसको इसको हमने पुराने वाले घर में ही बना रखा है, ठीक है। तो इसमें ये सब चीज़ें बना सकते हैं, ये सब मैंने और खोला था, स्कूबा डाइविंग का ये सब सामान है, ठीक है। इसमें पहन के स्कूबा डाइविंग करते हैं। और मैक्सिमम यहाँ की जो चीज़ें बनी हुई ना इस कमरे की, इस पिरामिड की मैक्सिमम चीज़ें जो बनी हुई है ना वो इसी में बनी हुई है। तो यस, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है बहुत सारी मॉडर्न चीज़ें बनाने के लिए। इसमें C4 चार्जर बना सकते हैं, इसमें रिमोट बना सकते हैं उसको डिटोनेट करने के लिए, और फ्रिज व्रिज, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, ये सब लाइट वाइट सब बना सकते हैं। और भी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो इसमें बना सकते हैं हम। इसके बाद यहाँ पे है वॉल्ट, ठीक है। तो वॉल्ट भाई साहब बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें लगती हैं, 500 मेटल इनगेट लगते हैं, ठीक है, लिटरली 500 मेटल इनगेट लगते हैं और 100 सीमेंटिंग पेस्ट लगते हैं करीब, ठीक है। तो इसको बनाना सबसे हार्ड है भाई, और लिटरली ये पता है मैंने किस लिए बनाया, क्योंकि इसमें स्पेस देखो लिटरली 350 स्पेस है इसमें, यानी 350 आइटम्स का ये अपने अंदर डाल सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मस्त होता है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें, इसलिए मैंने इसको बना दिया। और यहाँ पे सारी जितनी मशीन है ना उनको मैंने अपना स्पेशल बॉट दिया है, ठीक है। वैसे अभी ये खाली है लेकिन इसको यूज़ करना हम स्टार्ट करेंगे। तो ये देखो, ये जैसे ये वाला वॉल्ट जो है ना इसमें हम फैब्रिकेटर का सामान रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रिल है, इंडस्ट्रियल ग्रिल पे हम बहुत सारा मस्त मस्त खाना बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमें फ्यूल डालना पड़ता है शायद, तो मैं इसको चला के तुमको दिखा देता हूँ, ठीक है इसका। ओके, ऐसा करते हैं आधा फ्यूल डालते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे भी हमको ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर फ्यूल डाल देता हूँ और मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडस्ट्रियल ग्रिल, काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम खाना पका सकते हैं बहुत तगड़ा तगड़ा, और यहाँ पे इसमें मैं खाना स्टोर कर सकता हूँ इसके बगल में ही, ठीक है। तो काफ़ी ये सही है, इसको बंद कर देते हैं, फ्यूल वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे है केमिस्ट्री टेबल जहाँ पे हम केमिकल्स बना सकते हैं बहुत सारा, और इसमें मतलब जितनी भी चीज़ें थी ना जो कि हम मोटर एंड पिस्टल में बनाते थे वो बना सकते हैं, और भी कोई कई सारी चीज़ें हैं ये सब जो कि मुझे नहीं पता क्या करती है ये सब, और ये बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यस, बस इतना ही काम है केमिस्ट्री टेबल का, ठीक है। और इसके बगल में हम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं केमिस्ट्री टेबल से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पे दो और वॉल्ट तुमको देखने को मिल जाते हैं जो कि हमको एक्स्ट्रा स्टोरेज देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे आती है सबसे बड़ी मशीन जो कि है एक इंडस्ट्रियल फॉर्ज, ठीक है। इंडस्ट्रियल फॉर्ज में क्या होता है, इंडस्ट्रियल फॉर्ज में हम ओर वोर को डाल देते हैं और वो रिफाइन हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि मेटल इनगट बन जाता है, यही सब काम आता है, ठीक है। ये बड़ा सा फोर्ज है एक तरह से, इसमें ऑयल ऑयल बना सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, मतलब जो हम फोर्ज में काम कर सकते हैं ना वो इसमें कर सकते हैं, ठीक है। वो जो पुराना वाला बाहर फोर्ज दिखाया था ना तुमको, उसमें जो काम कर सकते हैं वो सब काम इसमें कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत तगड़े तरीके से और बहुत फास्ट होता है वो काम, ठीक है, उसमें बहुत स्लो स्लो होता है। और यहाँ पे और भी तुम लोगों को स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं वोल्ट, ठीक है। आगे यहाँ पे और स्टोरेज है, और यहाँ पे मैंने 4 रेफ्रिजरेटर बनाए हैं क्योंकि इसमें खाना मैं स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। ये प्रिजर्विंग बीन की तरह काम करता है, लेकिन उससे ज़्यादा एफिशिएंसी देता है, ठीक है, और ज़्यादा दिन तक इसमें खाना ख़राब नहीं होता, और ये पावर पे चलता है, ठीक है, उसकी तरह नहीं कि उसमें डस्ट डालना पड़ता है, वो जो डस्ट हम बनाते हैं ना वो डालना पड़ता है, पता नहीं नाम, स्पार्क डस्ट, यस, स्पार्क डस्ट नहीं डालना पड़ता इसमें, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पर काम करता है, तो ये काफ़ी सही है, हम इसमें फूड स्टोरेज अपना कर सकते हैं, ठीक है, और फूड हमारा ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पर तुम देख सकते हो ये है हमारा वाटर टैंक, तो इसमें हम वाटर स्टोरेज करते हैं, ठीक है। अभी वाटर इसमें फुल है, और यहाँ पे एक पाइप आ रही है बाहर से जो कि आती है, ठीक है, तो ये पाइप से हम लोग इसमें पानी भर देते हैं, ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिक पानी भर जाता है इसमें। और यहाँ पे तुम देख सकते हो आगे चल के इंडस्ट्रियल कुकर है, तो इसमें भी हम खाना बना सकते हैं। और देखो उस वाले इंडस्ट्रियल ग्रिल में ना हम कच्चे खाने को बना सकते हैं, ठीक है, इसमें जो है हम इसमें कच्चा खाना डाल के फिर उसको और अच्छे से मतलब कुक कर सकते हैं, ठीक है, तो ये उस लिए काम आता है, ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है खाना बनाने के काम आता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और वॉल्ट है, और यहाँ पे है भाई साहब ग्राइंडर, ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्राइंडर है ये, तो ये सब काम क्या करता है ना बहुत फास्ट कर देता है, और हम इससे हम थैच बना सकते हैं, इसमें लकड़ी डालेंगे तो थैच बन जाएगा, और स्टोन डालेंगे तो फ्लिंट बन जाएगा, ठीक है, और भी ये पता नहीं शेल फ्रैगमेंट है इसमें डालेंगे तो चिटेन बन जाएगा, पता नहीं ये किस लिए काम आता है, पर ये सब तो यार मैं नेचुरल तरीके से भी निकाल सकता हूँ, पर आई थिंक कि कुछ और भी बना सकते हूँ इसमें हम, मैं देखूंगा बाद में, अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसका, ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्राइंडर का। और ये सब काम करते हैं पता है किस पे, ये सब काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है। तो यहाँ मैंने पीछे एक लगा रखा है पावर जनरेटर जिसमें मैं फ्यूल डाल देता हूँ बहुत सारा, इसमें फ्यूल पहले से ही बहुत सारा पड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने सारे जनरेटर्स में फ्यूल डाल रखे हैं। और एक जनरेटर तुमको मिल जाता है देखने को यहाँ पे, ठीक है, और एक जनरेटर मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पीछे बहुत सारी जगह तुमको देखने को मिल जाती है, ठीक है,
जहाँ पे हम कुछ काम कर सकते हैं बाद में, ठीक है। अगर कुछ और नया आया, अपडेट आया, फिर कुछ चीज़ें छूट गई होंगी वो बना पे। और यहाँ पे एक और है, तो यहाँ पे पूरी पूरी बिल्डिंग में चार है जनरेटर्स, ठीक है। तो चारों जनरेटर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो यस यहाँ से नहीं निकल सकते हम लोग, यहाँ से निकलते हैं। तो यस यही था हमारा हाईटेक पिरामिड, ठीक है, हाईटेक मेटल पिरामिड मैं बोलूँगा। और सबसे बढ़िया मुझे पता क्या लगा, ये लगा मेरे को क्रायो फ्रिज, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और मैं इसमें लिटरली सारे एनिमल्स रख सकता हूँ, ठीक है। तो और भी क्रायो पॉड्स बनाएंगे और इसमें डाल देंगे। भाई देख रहे हो, एलियन टेक्नोलॉजी लग रही है, लिटरली एलियन टेक्नोलॉजी लग रही होगी तुम लोगों को, है ना। मुझे भी एलियन टेक्नोलॉजी लग रही है ये, लेकिन काफ़ी सही है ये, ठीक है। इसमें हम ला के सारे डायनोस को रख देंगे, ठीक है। बाहर रखने पे उतना अच्छा मज़ा नहीं आता, ठीक है। बाहर रखने में मतलब मज़ा तो आएगा, लेकिन क्या है ना, एक फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हम अपने आर्टिफैक्ट्स भी रख सकते हैं आराम से। तो चल चलो यार, बस इतना ही है इस वाली बिल्डिंग में, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इस वाली बिल्डिंग से निकलते हैं। ये वाली बिल्डिंग मुझे बताना कि कैसी लगी। इस वाली बिल्डिंग को बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा है और सबसे ज़्यादा रिसोर्स इसी बिल्डिंग में लगे हैं, ठीक है। तो चलो यार, इसका दरवाज़ा बंद कर देते हैं ताकि कोई जानवर घुसे ना अंदर फालतू में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम वहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो ऊपर जाने के लिए हमें यहाँ से जाना पड़ता है। ओके, मैं आगे निकल आया थोड़ा सा, ठीक है। तो ऊपर जाने के लिए जहाँ पे हमारा कैसल है, हमें इधर से जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, थोड़ी सी मतलब इधर उधर हैं, थोड़ी सी गड़बड़ हैं, बेकार लगती हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो जगह है ना यार, बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है। तो इसमें मुझे मतलब ये बेस रखने में बहुत परेशानी हुई, पर मैंने कैसे भी रख दिया इसको, ठीक है। तो और कैसे भी बना दिया मैंने, ठीक है। तो देख सकते हो यार, कैसे भी सीढ़ियाँ लग रखी हैं, ठीक है। वैसे ठीक ठाक लगता है, कोई ख़राब नहीं लगता जाता। यहाँ देख रहे हो, यहाँ से कहीं से भी घास निकल जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, यहाँ से घास निकल रही है, लेकिन कोई बात नहीं यार, हमने अपना कैसल जो है बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। मैं तुमको अभी अंदर ले जाऊँगा, पर उससे पहले मैं किसी से मिलवाना चाहता हूँ तुमको। यहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट है और ये है अपना यूनिक्रॉन। यस, मैंने तुमको बताया था ना कि मुझे 16 लेवल का एक यूनिक्रॉन मिला है। तो ये वो नहीं है, ठीक है। वो जो है पता नहीं कहाँ गायब हो गया अपने आप, ठीक है। मैंने उसको पकड़ के वहाँ पैन में अंदर बंद कर रखा था, पर पता नहीं यार, मैं आया वापस, ठीक है, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। तो मुझे फिर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवरों को मारना पड़ा और ये स्पॉन हो गया वापस से। तो मैंने इसको पकड़ लिया, ये ज़्यादा लेवल का नहीं था, ये 8 लेवल का था बस, ठीक है। और इसको मैंने पकड़ लिया तो ये 12 लेवल का हो गया, अभी अपग्रेड किया है मैंने थोड़ी देर पहले। तो ये ओके, और इसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसका सैडल तुम देखो, ठीक है। इसके सैडल में हम ये बना सकते हैं, स्पेशल आइटम है ये लेसो। देख रहे हो भाई, कितना बढ़िया लग रहा है ये। क्योंकि ये स्पेशल इसलिए होते हैं क्योंकि ये हर एक मैप पे सिर्फ एक होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल यूनिक्रॉन है और मुझे यहाँ पे मिल गया, बहुत तगड़ी बात है। इसकी सींग देखो भाई, एक जो सर से निकल रही है। वैसे ये घोड़े ही होते हैं लेकिन स्पेशल होते हैं, ठीक है। ले, और भाई साहब तुम देख सकते हो, और इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन इस वाले की स्पीड ना बहुत ज़्यादा कम है। इस वाले की स्पीड इसलिए कम है क्योंकि ये बहुत कम हल्का है, ठीक है। तो ये ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ पाता वैसे तो, पर ये ठीक है यार, मतलब इट इज़ मॉडरेट लेवल, ओके, ठीक है। इट इज़ गुड, ओके। तो मज़ा आता है मुझे इस पे ऐसे बैठ के चलने में। और ये पता है क्या कर सकता है, ये इसका अटैक है फर्स्ट वाला, ये देखो इसका फर्स्ट अटैक बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन है, ठीक है। ये अपने सर से मार के बस ये प्लांट व्लांट तोड़ देता है और यहाँ से बेरीज निकाल देता है। पर सेकंड अटैक इसका देखना, इसके पैर देखना पीछे वाले, किसी भी जानवर को ना टॉर्पिडिटी दे देता है, ठीक है। पर पता है मुझे सबसे अच्छा इसका क्या चीज़ लगता है, ये देखना इसका स्पेशल अटैक। ये गलप करता है, ठीक है, या फिर गिलॉप करता है, जो भी इसको कहते हैं। तो ये काफ़ी कूल लगता है मेरे को, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा तगड़ा है भाई ये हॉर्स। और यस वी गॉट दिस, ठीक है। तो तुम लोगों ने बोला था, कई लोगों ने कि ग्रिफिन पकड़ो, लेकिन ग्रिफिन तो इस वाले में है नहीं, इसमें यूनिक्रॉन होता है। मैंने यूनिक्रॉन पकड़ लिया। ओके, तो इसका नाम मेरे को सजेस्ट करना है, इसका नाम क्या रखे, और वो नाम रख दिया जाएगा, कुछ अच्छा सा बताना, ठीक है, इसका नाम। तो चलो अपने यूनिक्रॉन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं और एंटर करते हैं अपने कैसल में। तो ये वाले पिलर्स तुमको बहुत ख़राब लग रहे होंगे और ये जो स्टोन फाउंडेशन है ये तुमको ख़राब लग रहे होंगे, पर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि ये देख रहे हो, ये कहाँ से निकल रहा है, और इसको छुपाने के लिए मैं यहाँ पे फाउंडेशन डाल देता तो ये और बेकार हो जाता, ठीक है। तो मैंने डाला नहीं। इधर भी देखो, यहाँ कहाँ कहाँ से घास निकल रही है, मतलब एकदम बेकार एरिया है ये, ठीक है। पर मैंने कैसे भी करके ये कैसल कैसल बिल्ड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये कैसल जो है ना, थोड़ा सा ऊंचा नीचा है, ठीक है। यानी कि ये जो राइट वाला एरिया देख रहे हो ना तुम, ये वाला एरिया थोड़ा ऊंचा है और ये नीचे टाइप का है। तो
तो ये कैसल भी थोड़ा सा अनसिमेट्रिक हो गया है, ठीक है, तो उतना माइंड मत करना तुम लोग, क्योंकि मैंने बस बना दिया इसको, ठीक है। और यस, थोड़ा सा पेंट करने की कोशिश करी थी मैंने इसको, पर आई गेस कि ये चाहता नहीं था कि इसको मैं पेंट कर सकूं, ठीक है, उतना टाइम नहीं मिला मेरे को, और बाकी सब चीज़ें बनाने के चक्कर में ये मैं पेंट करना भूल गया, ठीक है। और यस, आई थिंक कि थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ये अभी, ठीक है, पेंट के चक्कर में, ठीक है। और यस, इसको मैं पेंट कर लूँगा कभी ना कभी, और पेंट करके भी दिखाऊंगा तुम लोगों को। तो चलो यार, एंटर करते हैं अंदर। तो गाइज, इस कैसल में एंटर करने से पहले तुमको मिल जाती है देखने को ये सीढ़ियाँ, जो कि मैंने स्पेशल बनाई है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ पिलर्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं पूरे कैसल को, और ये है एक बड़ा सा बिहेमियत गेट, और यहाँ पे मिल जाता है तुमको देखने को एक शानदार रूम यहाँ पे, जहाँ पे हमें झंडे लगे मिलते हैं, ठीक है, और कई सारी लाइट्स भी जल रही हैं यहाँ पे, तो काफ़ी रोशनी हो जाती है इससे भी। और ये है मेरा थ्रोन रूम, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं। और ये है अपना फायर प्लेस, यहाँ पे अभी आग नहीं जल रही है, तो मैं लकड़ियाँ लेके आ जाता हूँ, फिर आग जलाते हैं यहाँ। ओके, तो मैं कुछ लकड़ियाँ लेके आ गया हूँ, तो इसको इसमें डाल देते हैं। ओके, तो मैंने कुछ लकड़ियाँ और थैंज डाल दिए, ज़्यादा नहीं है, पर यस, इसको जला देते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। तो ये अब कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, और यहाँ पे मैं बैठ सकता हूँ और तुम लोगों से बात कर सकता हूँ, जो कि तुम लोग यहाँ पे बैठोगे, और यहाँ पे हम लंच वंच कर सकते हैं, डिनर विनर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे थ्रोन रूम उतना बढ़िया नहीं बनाया मैंने, क्योंकि यार ये चेयर के अलावा ना यहाँ पे कुछ और है ही नहीं, ठीक है, मतलब जो कि थ्रोन का दे सके। तो यस, थोड़ा और बड़ा भी चेयर होना चाहिए था इसमें, तो आई थिंक कि कुछ मज़ा आता, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है। और इधर देख सकते हो कि और यहाँ पे बेंच लगा रखी है मैंने, और सेम उस साइड भी बेंच है कई सारी, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। और यहाँ पे ऊपर हम अपनी ट्रॉफीज लगा सकते हैं, यानी कि जैसे कि हम कोई कोई जानवर मारते हैं ना, तो हमें उससे कुछ चीज़ें मिलती हैं, वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, और डेकोरेटिव बना देंगे इसको। अभी मैंने लगाया नहीं है, पर मैं लगाऊंगा, क्योंकि उस वाले बेस में है मेरे पास कई सारी चीज़ें, ठीक है, तो वो यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है, काफ़ी मस्त लगेगा, ठीक है, बाद में लगाऊंगा। तो यही छोटी मोटी चीज़ें हैं ना जो कुछ बची हुई हैं, तो इन सबको मुझे पूरा करना था, पर मैं पूरा कर नहीं पाया, ठीक है, टाइम नहीं था मेरे पास उतना। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस से, और यहाँ पे राइट साइड और लेफ्ट साइड में दो रूम्स हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम राइट साइड में चलते हैं। ये है हमारी लाइब्रेरी, एक छोटी सी, यहाँ पे हम बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि और यहाँ बुक शेल्फ में बहुत सारी किताबें पड़ी होंगी, ठीक है, तो इस बुक शेल्फ को ना हम स्टोरेज के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हम डिस्कशन कर सकते हैं, वॉर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ओके गाइज, तो ये हो गया अपना लाइब्रेरी रूम। अब चलते हैं यहाँ लेफ्ट की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे एक पावर जनरेटर है, ठीक है। तो ये पावर जनरेटर क्या करता है, ये पावर जनरेटर पावर देता है इस लिफ्ट को, ये मेगा लिफ्ट है, ठीक है, बहुत बड़ी लार्ज लिफ्ट है ये, ठीक है, एलिवेटर है। तो यस, इसको हम स्टार्ट करेंगे और ऊपर जा सकते हैं हम अपने कैसल के, और इसको यहाँ पे रोक देते हैं अपने सेकंड फ्लोर पे, ठीक है। और यहाँ तुम देख सकते हो एक और गेट है, यहाँ से हम जाते हैं हॉलवे में, ठीक है, तो ये हॉलवे बहुत ज़्यादा तगड़ा हॉलवे है, ठीक है, और यहाँ मेरे प्राइवेट क्वार्टर्स हैं आगे, जैसे तुम लोग देख सकते हो। और यहाँ से मैं नज़र रख सकता हूँ बालकनी से बहुत सारी चीज़ों पे, अपने आइलैंड पे जो जो चल रहा है उस पे मैं नज़र रख सकता हूँ, और चारों तरफ से दिखा देता हूँ तुम लोगों को मैं। वैसे यार पता है मेरे कैसल में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये कैसल जो है ना, बहुत ज़्यादा कैसे भी मतलब मेहनत से बना दिया है मैंने, पर कई कई बार क्या हुआ है ना कि जो कुछ सेगमेंट हैं, ठीक है, बेस वाले, ठीक है, जो स्टोन फाउंडेशन है वो अलग अलग जगह पे लगा हुआ है, ठीक है, एक दूसरे से अटैच नहीं है, तो उससे क्या होता है ना कि थोड़ा कोई एंगल पे मुड़ गया, ठीक है, जैसे कि एक फाउंडेशन जैसे सीधे जा रहा है, कोई दूसरा जो है किसी एंगल पे मुड़ गया, तो उसी हिसाब से मुड़ जाता है, ठीक है, और ये ऐसे गैप देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे, तो इसको माइंड मत करना तुम लोग, ठीक है, क्योंकि यार ये ऐसी जगह है ना, यहाँ पे मतलब सही से बन ही नहीं सकता, ठीक है, कोई नहीं बना सकता यहाँ पे सही से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम लोगों को इधर का नज़ारा देखने को मिल जाता है बहुत सारा, और वो दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में तुम लोगों को, वो क्या चीज़ है तुमको बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे है ट्रैप्स, ठीक है, यहाँ पे मैं अपने दुश्मनों को बंद कर सकता हूँ, इसके अंदर चल के देख लेते हैं, यहाँ पे वो बंद रहेंगे, यहाँ से चीखेंगे चिल्लाएंगे, यहाँ से मैं टॉर्चर कर सकता हूँ यहाँ पे, और अपने क्वार्टर में मैं सो सकता हूँ उनकी चीखें सुनते हुए आराम से। यस, यहाँ पे टॉर्चर करूँगा, उनकी चीखें आएंगी, मैं वहाँ पर जाकर आराम से सोऊंगा। यस आई एम, और सबसे बढ़िया एरिया मेरा ये है, क्योंकि यहाँ पे है मेरा टॉयलेट, जहाँ पे मैं बैठ के इंजॉय कर सकता हूँ खूबसूरत नज़ारे, ठीक है, सुबह सुबह फ्रेश होते हुए, सबसे बेस्ट है, तुम लोग देख लो टॉयलेट पे मेरा, ठीक है, 80,000 का टॉयलेट है।
ओके तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने प्राइवेट क्वार्टर्स में, जिसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना पड़ता है, और पासवर्ड सिर्फ मेरे को पता है तो तुम लोगों को भी नहीं बताने वाला, तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो पासवर्ड डालने के बाद हम इसको स्मूथ, और यह है हमारा प्राइवेट क्वार्टर्स। ठीक है, तो इस प्राइवेट क्वार्टर्स में मैंने अभी अभी बेड नहीं लगाया यहाँ पर, ठीक है, मैं बेड लगा दूंगा थोड़ी देर में। और यस, यहाँ पे देख लो, मैं बता देता हूँ क्या है। तो अगर मुझे कभी ठंड लगेगी तो यहाँ पे एक स्पेशल फायर प्लेस है जहाँ पे मैं आग जला सकता हूँ। इस वाली टेबल पे बैठ के मैं ऑफिशियल वर्क करूँ, ठीक है। और अगर कोई एक्स्ट्रा लोग आए तो यहाँ पे बेंच पे बैठ सकते हैं वो लोग, ठीक है, यहाँ पे बेंच पे बैठ के आग ताप सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम खाना वाना खा सकते हैं, डिनर विनर कर सकते हैं किसी के साथ, ठीक है। और यस, और ये देखो, ये है स्पेशल चीज, इसमें बनता है वाइन, बियर और जितनी भी शराब है ना, इसमें हम बना सकते हैं, और यस वी कैन एंजॉय। तो मैंने ये स्पेशल यहाँ पर रखा है। वैसे इसको पानी चाहिए होता है आई थिंक, तो इसको हम ले जाके ना वहाँ पे रख देंगे जहाँ पे अपना ग्रीन हाउस है, ठीक है, उसके अंदर रख देंगे, तो वहाँ पे पानी बहुत सारा इसको मिलता रहेगा, और ये इनफाइनाइट शराब बनाते रहेगा। इसमें हम बेरी डाल देते हैं, ठीक है, और उससे ये शराब बना देता है, तो मस्त मज़ा आने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं स्टोरेज कर सकता हूँ थोड़े मोड़े, ठीक है, और यहाँ पे स्टोरेज की चीज़ें हैं, यहाँ मैं किताब रख सकता हूँ अपनी, यहाँ पे सामान रख सकते हैं अपनी, और यहाँ पे कुछ डेकोरेशन लगा सकते हैं अपने लिए ताकि ये खूबसूरत हो जाए और भी। तो इसको और भी मुझे सजाना है, तो मैं बाद में सजाऊंगा इसको, अभी तो मैंने तुमको दिखा दिया ये। तो और कोई आइडिया है ना यहाँ पे, क्योंकि ये खाली खाली एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई और तुमको आइडिया हो या फिर तुमको पता हो कि क्या लगा सकते हैं तो बताना तुम लोग मेरे को। तो ये कैसल यहीं पे ख़त्म नहीं होता, इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं। ओके, ऊपर जाना है, नीचे नहीं। ओके, तो लिफ्ट इसके ऊपर भी चलते हैं हम आराम से, और यहाँ पे अपनी लिफ्ट को रोक देते हैं, और यहाँ तुम लोग देख सकते हो ये आ गई छत। और यस, ये मतलब इतना ही है बस, यहाँ से भी नज़ारे देख सकते हैं। वैसे यार पता है, कैसल मैंने बना तो दिया, पर इसमें क्या क्या चीज़ें बनाऊँ, क्या क्या रूम बनाऊँ, ये मुझे पता नहीं चला। तो ये वाला रूम जो तुम देख सकते हो यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है अभी भी, ठीक है, तो यहाँ पे बताना तुम लोग कि क्या बनाया जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या बना सकता हूँ और इसमें, तो तुम लोग बताना बस, तुम लोगों के लिए खाली छोड़ा है यहाँ पे, ठीक है, तुम लोग बता दो मेरे को क्या बना सकते हैं यहाँ पे। अब मैंने सोचा था ना कि यहाँ पे कुछ अपनी बर्ड्स के लिए कुछ बनाया जाए, ठीक है, क्योंकि अपनी बर्ड्स यहाँ पे रहेंगी, और मुझे जब उतरना होगा ना तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा आराम से, ठीक है, मुझे और बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, यहीं पे आऊँगा सीधे बर्ड्स पे अपने, और यहीं से उतर निकल जाऊँगा, एक तरह से हेलीपैड हो जाएगा ये अपना, ठीक है। तो ये बताना मैं क्या कर सकता हूँ और इसमें, ठीक है, और इसके ऊपर भी चलते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे काम है, और चल के देख लेते हैं इसके ऊपर। वैसे इसके ऊपर का ना उतना बढ़िया नहीं बन रखा, लेकिन फिर भी दिखाने लायक है, ठीक है, तुम लोगों को यहाँ पे रोक देते हैं। और ये है, यहाँ से हम व्यूज़ देख सकते हैं और भी ऊंचाई से, मतलब ये सबसे ऊंचा व्यू है यहाँ पे, ठीक है, और काफ़ी सही नज़ारे दिखते हैं यहाँ से। और भाई साहब अपना बेस देखो यहाँ से कितना सही लग रहा है, देख रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये वाला प्लेटफॉर्म बना दिया था इस इधर से उधर जाने के लिए, पर ये काफ़ी बेकार लगता है नीचे से देखने में, तो आई गेस इसको मैं तोड़ दूंगा और कुछ और तरीका ढूंढूंगा इसको, मतलब कनेक्ट करने के लिए। तो ये वाला भी रूम तुमको खाली दिख रहा होगा, ठीक है, मैंने ये वॉच टावर के रूप में बनाया था, लेकिन इसके बाद थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया ऊपर की तरफ। ओके, एक चीज़ मैंने गलती कर दी ना, ओके ओके ओके, मैंने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं बनाई, व्हाट द हेल, मुझे ऊपर तुमको कुछ दिखाना था। ओके, तुम कोई बात नहीं है, मैं अपनी अर्जेंट डेविस लेके आ जाता हूँ, ठीक है, उससे हम जाएंगे ऊपर। और लेके क्या आना है, मेरे पास पड़ी हुई है ना यहाँ पे अर्जेंट डेविस, तो इसको मैं फेंक देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये आ गई हमारी अर्जेंट डेविस, और इस पर हम बैठ के जा सकते हैं। वैसे मैं इसको मतलब कैसल को थोड़ा और अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ तुम देख सकते हो, यहाँ है सबसे अपना बेस्ट चीज़ जो कि मुझे सब, ओए नहीं, ओए शिट, ओ भाई साहब, मैं अभी गिर के मरता हूँ वहाँ से। ओके ओके ओके, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ओ भाई साहब। ओके, आई थिंक कि मुझे तुम लोगों को पहले ये वाला दिखाना चाहिए, ठीक है। यस, यहाँ उतर जाते हैं, यहाँ पे हम सेफ हैं। ओ भाई साहब, किनारे पे उतरना नहीं चाहिए कभी भी। हाँ, तो ये है अपना टरेंट, ठीक है, इस टरेंट से हम किसी भी चीज़ पे फायर कर सकते हैं, जैसा कि तुम लोगों ने वहाँ पे एक देखा था ना, वैसा ही है ये, लेकिन ये थोड़ा उससे अलग है, ये पत्थर फेंकता है, ठीक है। मेरे पास इसकी एमओ नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी एमओ बनाई नहीं है अभी तक, तो इसकी एमओ बनाना उतना कठिन नहीं है। इसमें स्टोन चाहिए और मेटल इनगट चाहिए, ठीक है, तो अभी अपने पास उतने हैं नहीं, ठीक है, तो वरना मैं बना देता, लेकिन इसको कभी और यूज़ करेंगे, अभी मैंने बता दिया तुम लोगों को।
तो तुम लोग एक्साइटेड रहना इसके बारे में, कभी भी यूज़ करेंगे हम इसको। तो मुझे भी नहीं पता ये करती क्या है, ठीक है, मैंने भी आज तक इसको यूज़ नहीं किया था। काफ़ी वैसे देखने में बहुत ज़्यादा तगड़ी है ये, देख रहे हो तुम लोग भाई साहब, कैटापुल्ट है ये, ठीक है, कैटापुल्ट है ना ये, यस माउंट कैटापुल्ट टरेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा सही होती है, ठीक है, अपने किले को बचाएगी ये किसी भी अटैक से। पर इससे भी अच्छी ना उधर वाली है भाई साहब, और वो तो मैं तुमको चला के भी दिखा सकता हूँ ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे उतर जाते हैं आराम से, और इस साइड उतरेंगे हम और गिरेंगे नहीं फॉर्चुनेटली, ठीक है। यहाँ पे मैं इस वाले में इसके गोले ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि मैंने बना के रखे हैं पहले से ही, और इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है भाई चलाने में इसको। और ये है कैनन अपनी, ठीक है, इसको चलाने में भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो मैं चला के दिखाता हूँ अपने को, तुम लोगों को चला के दिखाता हूँ मतलब, ठीक है। तो इसमें हम डाल देते हैं ऐसे कैनन बॉल, ठीक है, और देखना। ओ भाई साहब इसका गोला देख रहा कितना दूर गया, अभी भी जा रहा है भाई, नीचे गिर रहा है, अभी भी गिर रहा है। ओके, अब वो पानी में जाके गिरा भाई साहब। और इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके, ऐसे नहीं एडजस्ट होता, इसको ई दबा के एडजस्ट करते हैं। तो मैं इसको एम डाउन कर सकता हूँ, ठीक है, एम अप कर सकता हूँ, ठीक है, एम लेफ़्ट कर सकता हूँ, एम राइट कर सकता हूँ, तो मैं कैसे भी एडजस्ट कर सकता हूँ इसको। थोड़ा सा नीचे करते हैं और अब चला के देखते हैं इसको। ओ ये दिवाली, हैप्पी दिवाली ओके भाई साहब, इसको चलाने में लिटरली मेरे को बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो यस चलते हैं, क्योंकि कैसल ख़त्म हो गया अपना, इतना ही है अपना कैसल में, ठीक है। वैसे ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन आई गेस इतना बहुत है यार, इतना इतने कोई बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है मेरे को, ठीक है। जो भी है मैं थोड़ा इसको अपर व्यू दे देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो ये है अपना अपर व्यू, ये साइड से व्यू है, और ये देख रहे हो यहाँ पे मेटल और है बहुत सारे, ठीक है, उस साइड भी कई सारे हैं। तो यहाँ से मुझे मेटल मिल जाता है, बहुत बहुत सारा मेटल मिल जाता है यहाँ से मेरे को, और मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ता। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बिल्ड की तरफ, और ये है अपना लास्ट बिल्ड, और ये उतना खास कोई चीज़ नहीं है, पर मैं बता देता हूँ ये मैंने किस लिए बनाया है। ये मैंने बनाया है यहाँ पे अंडे कलेक्ट करने के लिए, और एक तरह से ये फार्म जो अपने हमने लास्ट टाइम बनाया था ना टेक पैरासोर्स का, वो हमने इसको ऐसे बना दिया है, ठीक है। लास्ट टाइम क्या हो रहा था ना कि मुझे अंडे कलेक्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, वो फाउंडेशन के अंडे नीचे चले जा रहे थे, ठीक है। तो इस वाले में वैसा नहीं होगा, यहाँ पर मैं दो फीमेल और मेल टेक पैरासोर को यहाँ पर खड़ा कर दूंगा, ठीक है, और वो ब्रीडिंग करते रहेंगे, अंडे नीचे गिरते रहेंगे, और वहाँ पे कोई मैं रैप्टर या फिर थ्राइसिनोसॉरस लगा दूंगा, ठीक है, और वो मेटल ऑयल और भी बाकी सारी जो चीज़ें होती है ना वो कलेक्टर करते रहेंगे उनसे। तो ये काफ़ी सही, अच्छा एक एक मेटल और ऑयल के लिए फार्म बन जाएगा अपने पास, इनफाइनाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। पूरा बेस अनरिवील तुमको कैसा लगा वो बताना, एपिसोड तुमको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर, ठीक है, और लिटरली कर दो भाई साहब जल्दी जल्दी, और भी मस्त मस्त सरप्राइज लाऊंगा ऐसे ही बहुत ज़्यादा तगड़े वाले, ठीक है। तो यार मिलते हैं अगले एपिसोड में, और अगले एपिसोड में हम यहाँ से काम करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हमारे मेन बेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उस वाले बेस को हम छोड़ देंगे, सारी चीज़ें ले आके मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है, सारे टेम्स को ला के मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। कुछ टेम्स को हम लोग क्रायोपॉड में भी रखा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी, ठीक है, और भीड़ भाड़ हो जाएगी ना तो इतनी सारी चीज़ें जो मैंने बनाई है, ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा लैग भी करेगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सोचा है कि क्रायोपॉड में बनाया जाएगा, और उसमें ही रखूंगा ज़्यादातर टीम को, ठीक है, ताकि अच्छा रहे, ठीक है, और नीट एंड क्लीन लगे अपना एरिया। वैसे मैंने ये पैन बना रखा है, पर आई थिंक कि मुझे क्रायोपॉड में रखना चाहिए, ठीक है, उससे थोड़ा एरिया लैग कम होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पॉन भी होते हैं बहुत सारे जानवर पीछे साइड में, ठीक है, उनके लिए मैंने स्पेशल जगह दे रखी है पीछे में, वो आगे नहीं आ सकते क्योंकि मैंने कटीले तार लगा रखे हैं वहाँ पे, जैसे कि तुमने उधर देखा होगा वैसे ही इस तरफ भी है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी जगह मिल गई मेरे को, और बताना कि अगर तुम लोग कुछ चाहते हो मेरे को बना, और बताना अगर तुम लोग कुछ चाहते हो कि मैं कुछ और भी बनाऊँ तो तुम लोग मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो यार मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बड बियाज आउट।